हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स। बात करने वाले हैं मजा ही मजा इस मूवी का सेवन जलसों लेकर। बात करेंगे लियो इस मूवी का एट जैसे लक्षण लेकर, भगवान कैसरी इस मूवी का एट जैसे लक्षण लेकर, गोस्ट इस मूवी का एट जैसे लक्षण लेकर। बात करेंगे टाइगर नागेश्वर राव इस मूवी का सेवन जलसों लेकर। बता दो मास महाराजा रवि तेजा सर का टाइगर नागेश्वर राव अच्छी कलेक्शन कर रहा है। गोस्ट पॉजिटिव रिव्यू के साथ रिलीज हुआ, क्लीन हिट है, पक्का ब्लॉकबस्टर जाएगा। भगवान कैसरी मैसिव ब्लॉकबस्टर जाएगा क्योंकि नंदमुरी बालाकृष्ण सर का इस फिल्म को अच्छे होल्ड मिला और मूवी डे बाई डे अच्छी कलेक्शन भी कर रहा है। जहां पर लियो मौजा ही मौजा दोनों फिल्म अच्छी कलेक्शन कर रहा है। बात करेंगे इन पांचों में कलेक्शन को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर चैनल को। पर बात करें मौजा ही मौजा को लेकर, इसमें का बजट है 10 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है गिप्पी गरवाल सर, सबने 7 डे कंप्लीट किया है। मौजा ही मौजा पूरी तरह से मैसिव ब्लॉकबस्टर है, मेगा ब्लॉकबस्टर है। आप बता दो मूवी अच्छी कलेक्शन कर रहा है, डे बाय डे मूवी का कलेक्शन अच्छा है, मूवी ऑलरेडी क्लीन हिट है। ओवरसीज मार्केट में मौजा ही मौजा को अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके वजह से ओवरसीज मार्केट से भी मूवी अच्छी कलेक्शन कर पाए अपने 7 डे में। ऑल इंडिया ग्रॉस स्टेशन के 30 लैक्स, ओवरसीज मार्केट स्टेशन के 40 लैक्स, वॉलेट मार्केट स्टेशन के 70 लैक्स, सर्वोच्च ने 20 करोड़ 70 लैक्स। आपने अभी तक मौजा ही मौजा नहीं देखा, देख लेना। गिप्पी गरवाल सर का मौजा ही मौजा कैसा लगा? मूवी लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन करेगा? क्या एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनेगा? क्या एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनेगा? ये भी कमेंट को बता सकते हैं। अब बात करें लियो को लेकर, इसमें का बजट है 300 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है थलापति विजय सर, सब ने 8 डेज कंप्लीट किया है। लियो एक अच्छी फिल्म है, थलापति विजय सर का इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली जन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके वजह से भी मूवी अच्छी कलेक्शन कर रहा है। लाइफ टाइम में ये फिल्म और भी अच्छी कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी रखता है। थलापति विजय सर जिनको आप लोग जानते हैं तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, या उनको तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर में जाना जाता है, जिनको बॉक्स ऑफिस किंग भी कहा जाता है। सुपरस्टार रजनीकांत सर, कमल हसन सर के बाद ही आप लोग जानते हैं थलापति विजय सर का नाम है, जिनका फैमिली जॉन्स के सपोर्ट सबसे ज्यादा है तमिलनाडु से। अपने देश में इस मूवी ने तमिलनाडु सेशन के 10 करोड़ 50 लैक्स, वर्ष मार्केट सेशन के 8 करोड़ रुपीज, वाले मार्केट सेशन के 30 करोड़ रुपीज, टोटल सर्कुलेशन है 504 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक लियो नहीं देखा, देख लेना। थलापति विजय सर का लियो कैसा रहा? मूवी लाइफ टाइम में कितना पैसा कमाएगा? क्या लाइफ टाइम में लियो 700-800 कर प्लस बिजनेस कर पाएगा, या उससे पहले मूवी को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा? वो भी बता सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं लियो बिग बजट वाली फिल्म है। रिकवर मूवी ऑलरेडी कर चुका है, मूवी तमिल इंडस्ट्री के सेकेंड और थर्ड फिल्म में आ चुका है, जो फिल्म 500 करोड़ प्लस बिजनेस के हमें एक्सपेक्टेशन है। लियो बहुत ही पैसा कमा सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर 650 करोड़ प्लस बिजनेस करा तो लियो 2.0 का कलेक्शन को बीट करके इंडस्ट्री हिट बन जाएगा। जहां पर आप लोग बता दो मूवी को अभी तक PS1 का जो कलेक्शन है उसको बीट करना होगा। धन्यवाद। अब बात करें भगवान कैसरी को लेकर, इसमें का बजट है 90 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है नंदमुरी बालाकृष्ण सर, अपनी 8 डेज कंप्लीट किया है। भगवान कैसरी पूरी तरह से मैसिव ब्लॉकबस्टर होने का चांस है क्योंकि आप लोग जानते हैं वीकडेज में जहां पर फिल्म को ड्रॉप देखने को मिलता है, भगवान कैसरी को भी ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन इतना नहीं कि मूवी का ड्रॉप ज़्यादा है। मूवी होल्ड अच्छा किया है, पॉजिटिव कलेक्शन कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि भगवान कैसरी लॉन्ग टाइम अच्छी कलेक्शन करेगा। नंदमुरी बालाकृष्ण सर का फिल्म एक टाइम चलता भी नहीं था, जो फिल्म डिजास्टर होता था, लेकिन अब उनके कैरियर में सक्सेस टाइम आ चुका है, उनके कैरियर में अच्छा टाइम आया। भगवान कैसरी अच्छी कलेक्शन कर रहा है और मूवी लाइफ टाइम में कम से कम 150 करोड़ प्लस बिजनेस आसानी से कर पाएगा। अपने देश में इस मूवी ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेशन के 5 करोड़ 50 लैक्स, ओवरसीज मार्केट सेशन के 1 करोड़ 20 लैक्स, वाले मार्केट सेशन के 6 करोड़ रुपीज, टोटल सर्कुलेशन है 123 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक भगवान कैसरी नहीं देखा, देख लेना। नंदमुरी बालाकृष्ण सर का भगवान कैसरी कैसा रहा? मूवी लाइफ टाइम में और भी कितना पैसा कमाएगा? कौन बता सकते हैं। अब बात करें गोस्ट को लेकर, इसमें का बजट है 90 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है शिवराज कुमार सर, सबने 8 डेज कंप्लीट किया है। शिवराज कुमार सर का गोस्ट एक अच्छी फिल्म है, पॉजिटिव रिव्यू के साथ मूवी रिलीज हुआ और बॉक्स ऑफिस में मूवी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रहा है। हमें एक्सपेक्टेशन है गोस्ट लाइफ टाइम में और भी अच्छी कलेक्शन करेगा, कर्नाटका से ये मूवी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। शिवराज कुमार सर जिनका कर्नाटका में फैन बेस बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका के दर्शक उनको पागल के जैसे सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। गोस्ट को लेकर
पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्शन था और मूवी अच्छे कलेक्शन किया, जिससे हमें लगता है मूवी लाइफ टाइम में 100 करोड़ प्लस बिजनेस करने का भी पॉसिबिलिटी रखता है। अपने देश में कर्नाटका स्टेशन के 1.50 लाख, ओवरसीज मार्केट स्टेशन के 30 लाख, वर्ल्ड मार्केट स्टेशन के 2.20 लाख, जैसे घोषण है 42.80 लाख। आपने अभी तक घोष्ट नहीं देखा, देख लेना शिवराज कुमार सर का घोष्ट कैसा रहा, मूवी लाइफ टाइम में और भी कितना पैसा कमाएगा कमेंट बता सकते हैं। अब बात करें टाइगर नागेश्वर राव को लेकर, इसमें का बजट है 50 करोड़ रुपीस। लीड रोल में है मास महाराजा रवि तेजा सर, इसमें 7 डे कंप्लीट का है। टाइगर नागेश्वर राव पूरी तरह से मेगा ब्लॉकबस्टर रहा, दर्शकों से इस मूवी का अच्छा सपोर्ट भी मिला है, मूवी बॉक्स ऑफिस में क्लीन हिट है, प्लस ये मूवी बहुत ही जल्द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। मूवी का थिएटरिकल वैल्यू सिर्फ 30 करोड़ रुपीस और मूवी बहुत थिएटरिकल वैल्यू पार करके अब क्लीन हिट के तरफ है। मूवी अगर 75 करोड़ कमा ले तो मूवी को ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर देंगे और एक्सपेक्टेशन है मास महाराजा रवि तेजा सर का ये फिल्म 75 करोड़ प्लस बिजनेस कर ले अपने 7 डे में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेशन के 2.50 लाख, वेस्ट मार्केट स्टेशन के 60 लाख, वॉलेज मार्केट स्टेशन के 3.50 लाख, जैसे घोषण है 58 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक टाइगर नागेश्वर राव नहीं देखा, देख लेना मास महाराजा रवि तेजा सर का ये फिल्म कैसा रहा कमेंट कर बता सकते हैं। गोस्ट, भगवान कैसरी, लियो, मौजा ही मौजा, इन सारे मूवीज में सबसे अच्छी सबसे बढ़िया फिल्म कौन सा है कमेंट बता सकते हैं। धन्यवाद।